सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच हृदय चरण शब्द सतगुर को रस गुण गाओ ठाकुर के हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय रस गुण गाओ ठाकुर के हृदय बसो गोपाल बसु गोपाल
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रस 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 गुण तो हम भी गा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और जिस रस की बात की गई है वो कौन सा रस है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गा तो हम भी रहे हैं ना, गुण ही गा रहे हैं उसके, पर क्या वो रस आ रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विचारने वाली बात है, धुन का रस आ रहा है, म्यूजिक का रस आ रहा है, आवाज का रस आ रहा है कि शब्द का रस आ रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग धुन से, आवाज से, म्यूजिक से इसका रस लेते हैं, यहाँ पर बात हो रही है शब्द के रस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अनमोल दात है, कब मिलती है? जब वो हृदय में बस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हृदय बसो गोपाल, क्यों बसो? ताकि मैं तेरे गुण रस ले लेकर गा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है प्यारा परदेश में है, याद करके उसे गुण गा रहे, एक सामने बिठा कर हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तक मेरे हृदय में आ जाओ भाई गुरु, ताकि मैं रस ले लेकर तेरे दर्शनों का तेरे गुण गा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह ने कहा था ना, काग बसुंड आ गया था, एक बहुत बड़ा काग, कौवा, काग बसुंड जिसे कहते हैं, आकर बैठ गया। गुरु नानक पाशाह कीर्तन कर रहे थे, भाई मर्दाना जी रवाब बजा रहे थे, समाधि लीन हो गया। लिखा है कि कई दिनों तक वो वहीं बैठा रहा समाधि में लीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पाशाह से पूछते, पाशाह ये तो ऐसे समाधि में लीन हुए, कितने दिन हो गए, उठाई नहीं है। तो गुरु नानक पाशाह कहने लगे, इसने फल का रस पी लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी ने सवाल किया, पाशाह फल का रस भाव? कहने लगे, जो लोग धुन से जुड़ते हैं, जो लोग आवाज से जुड़ते हैं, जो लोग म्यूजिक से जुड़ते हैं, ये साधन है शब्द को भीतर ले जाने का, ये सारे साधन नेक है, पर मॉरल जो तत्व है वो है शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी परवान है, पर इनका काम है शब्द को भीतर लेके जाना, खाली इनसे नहीं जुड़े रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे, जो लोग म्यूजिक से, संगीत से जुड़ते हैं, जो लोग साजों से जुड़ते हैं, आवाज से जुड़ते हैं, गाने वाले से जुड़ते हैं, वो लोग मानो फल का छिलका खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग शब्द से जुड़ते हैं वो फल का रस पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस काग बसुंड ने शब्द का रस पी लिया है, इसीलिए इसकी समाधि लग गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगे भी क्यों ना, गा कौन रहा था? मेरे गुरु नानक पाशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक अंदाजा लगा के देखिए, हमारे जैसे मूर्ख आदमी अगर जिसे गाना भी नहीं आता वो गा रहा है तो संगत को रस आ रहा है। जब गुरु नानक गाते होंगे, कोई एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए वो सुना दे, सारी जीवन कुर्बान कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या रस आता होगा? यहाँ पर बात की गई है नाम के रस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत गंभीर पहलू है आज का साथ से कच्छ, बहुत जरूरी, बहुत विशेष और बहुत गंभीर भी है। हम चाहते हैं कि नाम का रस आए, हम चाहते हैं नाम में मन जुड़े, पर हमारा जीवन कैसा है और नाम के रस के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बहुत फर्क है हमारे जीवन में और उस अवस्था में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करें कि नाम का रस आ जाए और क्या ना करें कि नाम का रस आ जाए, ये दो पहलू है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन को गुरु के हुक्म के अनुसार ढालना होगा, जैसा गुरु उपदेश कर रहे हैं वैसा चलेंगे तो नाम का रस आएगा, वरना सारा जीवन संगीत ही सुनते रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नाम का रस आता कैसे है, नाम का रस करता क्या है, बड़े कमाल के पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे दो पंक्तियां पढ़े, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, 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 हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, बहुत प्यास लगी हो, पूरा दिन निकल गया हो, पानी ना मिला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई रेगिस्तान में भटक जाए, दो दिन हो जाए पीने को पानी ना मिले, मरने की हालत हो जाए, श्वास निकलने वाले हो तड़प कर, कोई आके पानी पिला दे, क्या रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मछली को पानी से बाहर निकाल दो, तड़प रही है, तड़प रही है, मरने वाली है, उठाकर फिर से पानी में डाल दो, क्या रस आएगा उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन इससे हजार गुना ज्यादा, इतना ही नहीं इससे हजार गुना ज्यादा इस रस की बात की जा रही है जिसे कहते हैं नाम का रस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो रस है साध संगत जी, अगर एक बार आ गया, जिसे एक बार ये आ गया एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, फिर वो तड़पता है कि वापस मिल जाए, उसके लिए जो मर्जी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने ड्रग्स देखे हैं ना, ड्रग्स की आदत कैसे डालते हैं, पहले फ्री में खिलाते, बाद में आदमी अपने आप को बेच कर भी मांगता है कि मुझे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुछ भी नहीं इस रस के आगे, वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जो रस आया ना अब तक, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, पता नहीं कौन सी आस्था वाला बैठा है संगत में, वे संगत हर प्रभस है जी, पर मैं अगर अपनी बात करूं तो उस रस तक अब तक पहुंच नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये रस वो है, अगर एक बार आया, जा को रस हर रस है आयो, सो अन रस ना ही लपटायो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे एक बार ये रस आ गया, उसे दुनिया का कोई और रस कभी भाएगा ही नहीं, चाहे खाने पीने का हो, चाहे आंखों को देखने का हो, चाहे जबान के चस्के हो, चाहे कोई भी हो, कोई रस मन को नहीं भाएगा अगर एक बार नाम का रस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को क्या कहते थे, बाबा नंद सिंह जी का एकमात्र नाम है इस संसार में जिसे कहा जाता है नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी, क्यों, पहले शॉर्ट में समझते हैं कि नाम का रस आता कैसे, शुरू कैसे होता है। एक गारंटी बात की है कि आपको हल्का सा आ चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100% ना सही, हमें 5-10% आ चुका है, तभी तो सुबह उठ के बैठे हैं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी संगत से जुड़ता है, चाव पैदा होता है, नाम जपना शुरू करता है। ध्यान से समझना, अब नाम जपना शुरू किया, नित्यनेम बढ़ाया,
पूरी पूरी रात जागता है, क्या होता है, थोड़ी सी अवस्था मिल जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शक्ति आनी शुरू हो जाती है। अब जो कहता है पूरा होने लग जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की ताकत है, ऐसा होता है। कोई अपने जीवन को संभाले, नित्यनेम बढ़ाए, रात भर जाके सिमरन करे, अपने मन को संकोचे, शक्ति आनी शुरू हो जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आम बात है, ये नाम की बढ़ाई है, किसी इंसान की नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं तव प्रसाद सवैये में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होता है, दुनिया सर झुकाने लग जाती है, क्योंकि जो बोलता है पूरा हो रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी चाहता है इसके मुख से कुछ निकलवा लूं ताकि पूरा हो जाए मेरा काम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कुछ दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं जो नीचे गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पाते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, पीछे कला वर्त रही है वाणी की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे शक्ति खड़ी है गुरु नानक की। ये सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तब प्रसाद सवैये में डिटेल में लिख कर गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुश्मन गिरा नहीं पाते, दुनिया सर झुका रही है। अब यहां पर आकर नाम का रस उसे आया था, उसे नाम का रस थोड़ा सा आया था और ये अवस्था मिलनी शुरू हो गई। कोई भी हो, हम में से कोई भी हो सकता है वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहां पर बात आती है ध्यान रखने की, यहां पर बड़े ध्यान से समझना। नाम जपा, शक्तियां आ गई, जो मुंह से बोल रहे पूरा हो रहा है, दुनिया घेर रही है, सर झुका रही है, दुश्मन भी है, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। पर अगर यहां पर दुनिया में खच्चत हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर अहंकार आने लग गया कि मेरे बोलने से पूरा हो रहा है और आनंद लेने लगा इस चीज का, दुनिया में खच्चत हो गया, तो यह रस कभी नहीं पाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रस पाया था वो तो गवा ही लेगा, आगे जो रस बढ़ना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वड़ियाई का रस आने लग गया है, प्रभुता का रस आने लग गया है, फिर नाम का रस नहीं आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह, हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी की अवस्था, अमृत तुल्य बैठे हुए सिमरन साधना में, शक्ति आके खड़ी हो गई, रिद्धियां सिद्धियां हाथ बांध के खड़ी हो गई, कुछ हुक्म दो, किसका बिगाड़ना है, किसका संवारना है, हुक्म दो, हम आपकी सेवा के लिए आए, निरंकार ने भेजा है। बाबा नंद सिंह जी उनकी तरफ देखा, आंखें बंद कर ली, दौड़ पड़े बाबा मार नाम सिंह जी के पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने मुर्शिद के पास। सुबह उठ होते ही बाबा मार नाम सिंह जी के पास चल गए, कहने लगे ऐसा ऐसे हुआ है, रात को मैं बैठा था, शक्ति आके खड़ी हो गई। तो बाबा मार नाम सिंह जी मुस्कुरा के पूछते हैं, तो फिर और क्या चाहिए, ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके तप करते हैं कि एक रिद्धि मिल जाए, एक सिद्धि मिल जाए, ताकि दुनिया को काबू में कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी रिद्धियां सिद्धियां तेरे आगे आगे, निरंकार की शक्तियां हाथ बांध कर खड़ी हो गई हैं, यही तो चाहिए सबको, अब आनंद ले जीवन का, सारी दुनिया तेरे पीछे घूमेगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे महापुरुषो, इन शक्तियों को अपने चरणों में जगा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता देखिए, कहने लगे इन शक्तियों को अपने चरणों में जगा दो, मुझे तो शक्तियों के मालिक से मिला दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मुझे गुरु नानक से मिला दो, मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे गुरु नानक के दर्शनों का रस चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा मार नाम सिंह जी ने गले से लगा लिया, कहने लगे इम्तिहान से पास हो गया था, लोग इन शक्तियों में अटक जाते हैं दुनिया को बस में करने के लिए, तूने इन्हें पीछे करके निरंकार को पकड़ा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बाबा नंद सिंह जी को कहते हैं नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस लेते थे वो कीर्तन का, कई कई घंटे सुरती जुड़ जाती थी, कहते थे प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते जाओ, बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए थे, कोई निरोल कीर्तन करे एक साल तक हम बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि रस आ गया शब्द का, शब्द का। आओ मांगे पाछा तरस कर, हमें भी किन का बख्श दे, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के।
गोपाल बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बाबा महाहरनाम सिंह जी तो इस पर बड़ी डिटेल में बताया करते थे। जब भी किसी को अवस्था प्राप्त करवाते थे अपने पास रखकर नाम जपाकर, मानो दसम द्वार खुल गया, मानो अनहद नाद शुरू हो गया, मानो रोम रोम में सिमरन शुरू हो गया, तो कहते थे आप जाके छिप जा आम आदमी की तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब छिप जा आम आदमी की तरह, दिखावा मत करना, प्रगट मत करना किस अवस्था में हो। अगर कहीं पे विचार विमर्श हो रहा हो तो ऐसे शो करना जैसे कुछ नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान मत झाड़ने लग जाना, ये अवस्था तब तक रहेगी जब तक दिखावा नहीं करेगा, छिपा के रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। पुन प्रतापन बाट जैत तन, पापन के बहु कुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरे, जग सत्र सभे अवलोक चपेंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना सच लिखा गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, लिखा है गुजूर तो हो नहीं सकता पर हर जमाने के हिसाब से सही बैठता है। पुण्य प्रतापन बाट जाते, जब पुण्य बढ़ जाएंगे। पुण्य कैसे बढ़ते हैं? गुण गोविंद गाय कल में एहो पुण्य। इस कलयुग में एक ही पुण्य है, प्रभु के गुण गा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई गुण गाता है, जुड़कर गाता है, निष्काम होकर गाता है, तो उसके पुण्य बढ़ने लग जाते हैं। पुण्यों के प्रताप से क्या होता है? पुण्य प्रतापन बाट जैत ताने, पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर है, जितने साधु संत होंगे तुझे देख के खुश होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तेरे पुण्य बढ़ रहे हैं। पर जग सत्र सभा अविलोक चपेंगे, जो शत्रु होंगे वो तेरे खिलाफ हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि दुनिया इसे क्यों पूज रही है पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि पीछे शक्ति निरंकार की है, गुरु नानक की। बाबा महाहरनाम सिंह जी जब भी किसी को कुछ शक्ति प्राप्त होती थी कहते थे छिप जा। वो संतों की अवस्था देने के बाद कहते थे आम लोगों की तरह रहना, और कहते थे आसपास के लोगों को भ्रम में डाल के रखना कि वो तुझे संत ना समझने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें लगना चाहिए आम आदमी ही है, इस प्रकार से विचरना तब तेरी अवस्था बनी रहेगी, तब कृपा और होती होगी, नाम का रस बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात हो रही है नाम के रस की, मुझे लगता है कि अभी तक हम समझ ही नहीं पाए नाम का रस है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, एक किनका मात्र सबको मिल जाए ताकि पता चल जाए कि नाम का रस है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी कोई बढ़ियाई नहीं, मेरा कोई अहंकार से नहीं कह रहा, पर महापुरुषों के पूर्ण महापुरुषों की संगत में रहकर जो वो रस पीने को मिला है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो मन की अवस्था, जो वो पूर्ण महापुरुषों की संगत अगर प्राप्त हो जाए ना, तो वह रस बिना मेहनत के मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर आदमी उसी रस के लिए फिर जुड़ा रहता है, नाम जपता रहता है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोरे हृदय बसो गोपाल, Hey, hey, hey.
एक बात, मैं हमारी जो मेरी अवस्था है उन लोगों को मैं दास बताना चाहता है, बड़ी कीमती बात है, समझ लो। अपने आप में झांको, अगर अमृत वेला उठते हैं ना तो मन करता कोई पूछे सही कितने बजे उठता है, तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बताएं लोगों को। बहाने से उबासी लेके कहेंगे मैं रात भर जागा था, बताने की कोशिश करते हैं कि हम रात को जागते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को गुरु का स्वप्न आ जाए, गुरु के दर्शन हो जाए सपने में, जब तक 100 लोगों को बता नहीं देगा चैन नहीं आएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जरना ही नहीं आया, ये रस तब बढ़ता है जब जिसके पास जरने की ताकत हो, अगर इसको जर लिया तो आगे की अवस्था मिलती है। इसलिए दास हमेशा कहता है, मेरे पास आके लोग कहते हैं ना कि ये अवस्था है, ये अवस्था, मैं कहता हूँ पहले देख लिया करो आजू बाजू लोग तो नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबके सामने मत कहो, अवस्था कल ही खत्म हो जाएगी, इसको छिपाना है। इस बात को भगत नामदेव जी कह रहे हैं बड़ी स्पष्टता से, श्रवण कीजिए। कायरे बकबा दिलायो जिन हर पायो तिने छपायो, ओ जिन हर पायो तिने छपायो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कह रहे हैं क्यों ढिंढोरा पीट रहा है अपनी अवस्था का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मुझे दर्शन हो गए, कि मेरा इतना नित्यनेम बढ़ गया कि मैं रोज अमृत ले जाता हूँ। क्यों ढिंढोरा पीट रहा है? क्योंकि जिन हर पायो तिने दिखायो नहीं तिने छिपायो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को बेशकीमती हीरा मिल जाए लोगों को दिखाएगा चोरी हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकू लूट कर ले जाएंगे, छिपाएगा वो, किसी को पता ना चल जाए मेरे पास कीमती हीरा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे निर्मोल दाता है नाम का रस, अगर थोड़ा भी आ जाए ढिंढोरा मत पीटो, भगत नामदेव जी कह रहे हैं। अगर चाहते हो कि रस की प्राप्ति बढ़ती जाए छिपाओ अपनी अवस्था को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें छिपाना आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा कठिन है, अहंकार कहता है बता बता लोगों को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि तेरे आगे सर झुकाए। अरे वाह, रात को 2 बजे उठता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोरे हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, कबीर लागी प्रीत सुजान सो बर जय लोग अजान, काशु टूटी क्यों बने जाके जी परा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि नाम का रस आए कैसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहली बात क्या सीखने को मिली है, वाणी क्या कहती है, अगर थोड़ा सा भी रस आया है, थोड़ा सा भी नित्यनेम बढ़ा है, अवस्था मिली है, चुप कर जा, बता मत, छिपा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अभी दूसरा पहलू, कबीर लागे प्रीत सुजान से बर जाए लोग अजान, तासो टूटी क्यों बने जाके जी परा। नाम का रस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, भगत नामदेव जी जा रहे हैं, रोज का काम था ना, कपड़े रंगने कपड़े धोने, घाट पर जाना, गठड़ी उठाई हुई है भगत नामदेव जी ने कपड़ों की बड़ी सारी, नदी की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग घोड़ों पे सवार होकर जा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मन में विचार आ गया, भगत नामदेव जी जो प्रभु से प्रत्यक्ष बातें करते हैं, प्राप्ति हो चुकी है,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्राप्ति हो चुकी है जिन्हें। मन में विचार आया कि हे निरंकार, एक घोड़ी तो दे देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक घोड़ी तो दे देता कि मैं वो गठड़ी भी वो घोड़ी पे रख देता, खुद भी घोड़ी पे सवार होकर जाता, आराम से काम भी जल्दी खत्म हो जाता, जल्दी आ जाता। भगवान तो उनके भीतर ही बसते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त भगवान ने पठान का रूप धारण किया, घोड़ी पे सवार होकर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पठान को उस वक्त राज था कि जो कहे वो करना है, कोई सुनवाई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़ी पे सवार होकर दूर से आवाज दी भगत नामदेव जी को। ओए, भगत नामदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा, घबरा गया पठान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं क्या करने के लिए कहेगा। पास में आ गए घोड़ी लेकर, घोड़ी रोक दी। कहने लगे, पीछे देख घोड़ी का बच्चा है, पीछे घोड़ी का बच्चा है, इसे उठा ले, क्योंकि वो चल नहीं पा रही, अभी भी बच्चा दिया घोड़ी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चा चल नहीं पा रहा, अपनी पीठ पर उठा, ये गठड़ी को रख दे इधर। भगत नामदेव जी ने हाथ जोड़े, गठड़ी रखी, घोड़ी को उठा लिया, अब चल रहे साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी भारी घोड़ी पीठ पे उठाई हुई है। भगत नामदेव जी कहते हैं, हे निरंकार, मैंने तो अरदास की थी कि मुझे घोड़ी दे जिसपे मैं चढ़ सकूं, तूने तो घोड़ी मुझ पे चढ़ा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी तो जरूर तूने मेरी, पर उल्टा सुन लिया लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां उच्चारण की उन्होंने, श्रवण कीजिए। वाह मेरे ठाकुर कैसी कीनी, तले को मांगी ऊपर को दीनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह मेरे ठाकुर कैसी कीनी, तले को मांगी ऊपर को दीनी। घोड़ी मांगी थी जिसपे मैं चढ़ सकूं, ये मुझ पे चढ़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे उठानी पड़ रही है। उसी वक्त पठान तो भगवान का रूप धारण, भगवान ही पठान का रूप धारण करके आए थे। कहने लगे, क्या मन में सोच रहा है, तले को मांगी ऊपर को देनी, तेज तेज चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मगर नामदेव जी रुक गए कि ये तो अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर के तो सिवाय उसके कोई नहीं जान सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़ी को नीचे रखा और लगाम पकड़ ली कि ठाकुर ये क्या कर रहा है मेरे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं समझ तो ज्ञान तो मुझे मिल गया घोड़ी उठाते ही, कि तू ये चाहता है कि मैं घोड़ी ना मांगू। भगवान कहने लगे, हाँ घोड़ी के साथ मुसीबतें कितनी है साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर घोड़ी लेगा तो बच्चे भी होंगे, बच्चों को संभालना भी पड़ेगा, उन्हें ऐसे उठाना भी पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, नाम का रस कब लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तुझे प्राप्त हुआ है अनमोल दात, वो कब लेगा। यहाँ पर महापुर ये समझाया करते थे, अगर नाम का रस लेना है तो लालच को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। लालच लफ्ज, गाड़ी चाहिए सबको, पर चार गाड़ियां क्यों चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मांगोगे तो खचत हो जाएंगे। जिनको नाम का रस चाहिए वो पदार्थ नहीं मांगते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पदार्थों से संकोचते हैं अपने आप को, कम से कम लोगों से मिलना, कम से कम बात करना, कम से कम सामान इकट्ठा करना उनके जीवन में दिखाई देता है कि वो नाम के रस के पीछे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम का रस चाहिए तो अपने आप को संकोचो अपने जीवन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है गुरु नानक पातशाह के जीवन की। गुरु नानक पातशाह बैठे हैं एक गांव के बाहर बैठे हैं मेरे गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी। मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी, गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, रबाब सत करतार, सत करतार, सत करतार, सत करतार, सत करतार, सत करतार।
मर्दानिया सत करता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है माई काको, वहां से गुजर रही है, दिन चढ़ाई है, अमृत वेले से कीर्तन की आवाज आ रही है उसके कानों में, क्योंकि जहां से गांव की हद खत्म होती है उस हद के भीतर ही इसकी जमींदारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पति जमींदार है, जो जमींदार की घरवाली है। इतिहास में नाम आया माई काको। इसने ये आवाज सुनी, वहां पर जाकर बैठी और ऐसे समाधि में लीन हुई कि दोपहर के समय आंख खुली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुली तो देखा गुरु नानक पाशा फिर समाधि में ही लीन है। भाई मर्दाना जी जाग रहे बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको कहती है ये कौन है? कहने लगे नानक। कहने लगे कौन नानक? कह निरंकार ही नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये क्या कर रहे थे आप लोग? उन्होंने कहा। कहने लगे कीर्तन कर रहे थे। माई काको कहती कीर्तन क्या होता है? कहने लगे शब्द को संगीत के साथ गाते हैं कीर्तन। कहने लगे मैंने बहुत सारे गायकों को सुना है, बहुत सारा संगीत सुना है, ये क्या चीज था ये जादू कि मुझे होश ही ना रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी को जितना समझाना आता था समझाया, पर उसे समझ में ना आया कि इतना रस कैसे आया मुझे जो आज तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको फिर आंखें बंद करके अपने भीतर झांक रही कि इतना रस इतना आनंद सारे जीवन में किसी चीज में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना छोटी सी बीच में दास सुना दे। बाबा महार नाम सिंह जी बैठे, शायद मैंने पहले भी कभी ली है। एक आदमी आकर सामने गिर गया, शरीर रोगी, पूरा तन रोगों से भरा हुआ, मन रोगी, और रोते जा रहे गिर गया बस आके। बाबा महार नाम सिंह जी उसे देखते जा रहे हैं, भीतर की तो वही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भोग लिए सारे विषय, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ भोग करके देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर रोगी ही हुआ है, रस आया? रोते जा रहे हो, कुछ नहीं। बाबा महार नाम सिंह जी ने तरस किया उसके ऊपर, अपने सेवादारों से कहने लगे जा इसे स्नान करा के लेके आओ, साफ बस्त्र पहना कर। सरोवर में स्नान करा के साफ बस्त्र पहना के आगे खड़ा कर दिया। बाबा महार नाम सिंह जी ने अपना मेर भरे हाथ उसके सर पे रख दिया। पता नहीं क्या पिछले जन्मों के उसके कर्म थे, ऐसी समाधि में लीन हुआ कई दिन तक वहां से उठा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जब आंखें खोली तो बाबा महार नाम सिंह ने फिर से वही सवाल पूछा, बता इस रस के सामने वो रस क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा इस रस के सामने वो रस का तो कोई मायने ही नहीं है जो ये नाम का रस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह कहने लगे जा अब तेरा रस यही रहेगा बशर्ते किसी को बताएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस रस को पी, शब्द तेरे अंदर चल पड़ा, इस शब्द को पीते जा, छिप कर रह कहीं पर चला जा। कहते हैं बाबा महार नाम सिंह ने उसे कलकत्ते भेजा कि वहां जाके रहे और वहां जाके छिपके रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माई काको को जब ये रस आया फिर से सुविचार में चले गए। देखा माई काको ने देखा कि 3 दिन से यहां बैठे थे ये लोग, आज इसने कीर्तन सुना। घर में गई कि 3 दिन से बैठे हैं। भाई मर्दाना से पूछते कुछ खाया है कुछ पिया है? कहने लगे 3 दिन से बैठे हैं, आज्ञा नहीं है हमारे पीर की, गांव में जाए हम यही बैठे हैं। तो वो गई फटाफट, जमींदार थी, बहुत बड़ा लोटा दूध का भरा, उसमें बहुत सी मलाई डाली, बहुत श्रद्धा भावना से शक्कर अलग छन्ने में लेकर साथ में लेकर आई और गुरु नानक पाशा के आगे रख के कहने लगी दूध पी लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं कौन सी किस्मत जागती थी, कौन से कर्म होते जब गुरु नानक पाशा खुद चले जाते थे उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारा गांव बैठा है ना, आई कौन? केवल माई काको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया सो रही है, गुरु ने आपको बुलाया है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्यवाद किया करो, शुक्राना किया करो पाचा। हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं लोग, दुखी भरे हैं लोग, तूने अपने चरणों में रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुष वचन किया करते थे जो रातें अमृत वेले गुरु के चरणों में बिताते हैं उन्हें रातें कभी अस्पतालों में नहीं बितानी पड़ती।
माई काको ने कहा गुरु नानक पातशाह से, पातशाह दूध छको। गुरु नानक पातशाह ने नेत्र खोले, कहने लगे माई हमें भूख नहीं है, तुम्हें भूख है, तुम ही छको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं मैं देख रही हूँ तीन दिन से आप लोग यहाँ बैठे हो, अब दूध पी लो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं माई काको तुम्हें भूख ज्यादा है, तुम पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने फिर से हाथ जोड़ दिए। बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना को कि पाचा तीन दिन से आपने कुछ नहीं खाया, मैंने तो खाया हुआ है भोजन। कहने लगे नहीं पर भूख तुम्हें फिर भी ज्यादा है, तुम्हें जमीन भी और चाहिए, तुम्हें जानवर भी और चाहिए, तुम्हें धन भी और चाहिए, तुम्हें पियो दूध। घर से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको हैरान हो गई कि रोज रात को अपने पति से झगड़ा करती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक कि और धनवान बनना है, बड़ा जमींदार से बड़ा जमींदार बनना है, और जमीन चाहिए और धन चाहिए और गाय भैंस भी बहुत सारी चाहिए, अपने पति से रोज झगड़ा करती है। वो समझ गई ये तो अंतर्जामी है, मैं रोज झगड़ा करती हूँ, वही तीन चीजों की बात कर रही हूँ जो मैं घर में कहती हूँ। चुप कर गई। कहने लगे पाचा मुझे दूध नहीं चाहिए। आप दूध पीने के लिए कह रहे हो ना, दूध नहीं चाहिए मुझे, वो नाम का रस वो पिला दो, जो शब्द का रस जो आपने मुझे पिलाया है, वो रस इतना आनंदित था कि उस रस के सामने हर चीज तुच्छ है। तब गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, अगर चाहती है तुझे वो रस आए जो रस आया था शब्द का, तो तुझे ये मांगों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये और की भूख मिटानी होगी। जितना निरंकार ने दिया है शुक्राने में रह के नाम जप, गुरु नानक में नाम जप निरंकार भली करेगा, तुझे वो रस आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने उसी वक्त माथा टेक दिया गुरु नानक पातशाह के चरणों में। पातशाह आज से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, पर मुझे वो रस दे दो जिस रस से मैं बेचैन हो गई, वो रस जब से सुना है कि मुझे वो रस परमानेंट चाहिए, बना रहे। तब गुरु नानक पातशाह उस पर प्रसन्न हो गए। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, बहुत बहुत कीमती बात है जो महापुरुष मुझे समझाया करते थे। कई बार होता है महापुरुषों के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और एक बात कहते हैं ऐसे ऐसे, और महापुरुष कहते हैं ऐसा कर लो, और आगे से हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा, अपनी सफाई देते हैं, कभी मत दिया करो। एक जुगती बता रहे दास, जब महापुरुष आपको कुछ कहते हैं, समझो कोई काम कह दिया, उन्होंने कहा इतना नेम कर लो, ये मत कहो मैं नहीं कर सकती, कहो मैं पूरी कोशिश करूंगी नेम निभाने की, आप कृपा करो मैं करूंगी। क्योंकि वचन जब सतवचन कर देते हैं ना, सतवचन महापुरुषों के आगे, तो ताकत गुरु नानक बख्शता है, क्योंकि वचन उन्होंने महापुरुषों के पूरे करने होते हैं। हम केवल सतवचन कह दें, ताकत गुरु नानक बख्शेगा, आपसे नेम करवाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मत कहा करो, प्रसन्नता उनके हृदय से आशीष निकलती है कि इसने बात मान ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनकी उनकी नजर जीवन पर होती है, जीवन ऊंचा करना चाहते हो, कोई सतवचन कर देता है उसका जीवन ऊंचा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने जैसे ही सतवचन कहा, पाचा आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगी, गुरु नानक पाशा कहने लगे माई काको से, बोल वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने कहा वाहे गुरु, हम भी कहते हैं हजार बार करोड़ों बार अरबों बार कह चुके हैं, पर गुरु नानक पाशा ने एक बार कहलवाया वाहे गुरु। लिखा हुआ है कि पैर की उंगली से लेकर शरीर की चोटी तक हर रोम रोम को जबान लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोम रोम से आवाज आने लग गई वाहेगुरु, अवस्था मिल गई उसको वो जो वो चाहती थी नाम के रस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि में लीन हो गई, केवल सतवचन कहा गुरु नानक पातशाह से कि आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम का रस चाहिए तो ये कुछ शर्तें हैं। पहली, अगर छोटी मोटी अवस्था मिल गई है तो छिपाओ, अपने नेम को दिखाओ मत। दूसरा, मांग बंद करो लालच की, जितनी जरूरत है उतना चाहिए, मांगना हमारा हक है, गुरु से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे, पर जरूरत से ज्यादा मांगना, दास हमेशा कहते हैं गुरु ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संभालने के लिए मत मांगो, बस किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े इतना मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तरस करे गुरु नानक, हम भी कहते पाचा नहीं मांगेंगे, बस जा हृदय में आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ हृदय में अपने अपने कहें, मुरे हृदय
रस 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 गुण गाओ ठाकुर के रस गुण गाओ ठाकुर के हृदय बसो गोपाल से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांध्यो पाल प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हृदय चरण शब्द सतगुरु को अपने हृदय में हृदय चरण शब्द सतगुरु को गुरु का शब्द ही गुरु के चरण है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उसे हृदय में बसा ले प्यार से बोलिए धन गुरु नानक नानक बांधियो पाल बसा ले अपने हृदय में शब्द को गुरु के चरण बस जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक इसके ऊपर ना कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं वाणी कहती है इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता बस हृदय में वो बस जाए बसेगा कैसे उसके गुण गाने से क्यों अगर किसी को बिठाना हो और सामने गंदी कुर्सी रख दो कीचड़ में लिबड़ी कोई बैठेगा आम आदमी भी नहीं बैठेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हम बिठाना चाहते हैं गुरु को अंदर एक भरा पड़ा है कचरा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हमें पता है पूरा दिन हम क्या करते हैं क्या देखते हैं इन आंखों से क्या सोचते हैं इस मन में कचरा भरा पड़ा है और फिर कहते हैं हृदय में आके बस जा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक क्यों आके बैठे भाई साफ तो कर पहले साफ कैसे होगा परिये मत पापा के संग ओ तो पै इसको धोना है तो एक ही तरीका है एक ही उसके गुण गाओ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक इसीलिए तो कहा है नित्यनेम संभालो नित्यनेम क्या है जब हम जपते हैं मन जुड़े या ना जुड़े उसका काम है सफाई कर देनी है उसने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मन जुड़ जाएगा तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा नहीं भी जुड़ेगा आग में हाथ जानबूझ के डालो या अनजाने में आग ने हाथ जला देना है नाम ने पाप जला देने हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मन जोड़ के करोगे तो बहुत अच्छी बात है बड़ी जल्दी कृपा हो जाएगी नहीं जुड़ता तो भी जपो मन साफ हो जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक महापुरुष समझाते थे एक्चुअली ये प्रकरण बहुत बड़ा है इसको तीन दिन लिया जा सकता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक क्योंकि अगर नाम का रस चाहिए तो क्या क्या पहलू है क्या क्या करना है वाणी में गुरुओं ने भक्तों ने किस किस ढंग से समझाया है समा हो गया है तो इसको प्रकरण को फिर से आगे लें या जैसे गुरु कराए क्योंकि बहुत सारे पहलू बाकी हैं मेरा मन होता है हर चीज पता चल जाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक आओ गुरु को अरदास ही करें गुरु मेर करें बाकी का प्रकरण कल या परसों कल तो दशहरा है कल कुछ और ही ले परसों शायद फिर इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आप जैसी संगत हुक्म करिए जो मन की इच्छा हो ना मुझे कमेंट्स में लिख दिया करो सेवादार बता देते हैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं दास कोशिश करेगा हर रोज एक दो सवालों के जवाब देने के भी कमेंट से क्योंकि कुछ सवाल बहुत कीमती होते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक समा नहीं बचता गुरु मेर करे धन गुरु नानक होना भी ऐसे चाहिए समा खत्म हो जाए पता ही ना चले धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक बार छुट्टियां शुरू होने दो फिर 7-8 बजेंगे धन गुरु नानक फिर मैंने सुनने वाला किसी की जाना है बच्चों को ये वो मैं बैठा रहूंगा धन गुरु नानक धन गुरु नानक रस रस गुण गाओ ठाकुर के रस रस गुण गाओ ठाकुर के
रस गुण गाओ ठाकुर के हृदय बसो गोपाल मोर हृदय बसो गोपाल बसो गोपाल बसो गोपाल बसो गोपाल जी बसो गोपाल बसो गोपाल रस रस गुण गाओ ठाकुर के रस रस गुण गाओ ठाकुर के रस 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 गुण गाओ ठाकुर के रस रस गुण गाओ ठाकुर के हृदय बसो गोपाल धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहे कबीर कही एकाहे साध संगत बैकुंठे आहे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं पता नहीं मरने के बाद किसी ने स्वर्ग देखा है कि नहीं देखा, स्वर्ग है कि नहीं है, कबीर जी कहते हैं, पर कहते मैंने जीते जी देख लिए हैं ये सात संगत बैकुंठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप संगत के यहाँ से दर्शन करता हूँ ना बैठ के,
स्वर्ग यही होगा और क्या, गुरु नानक बैठा होगा, हम कीर्तन कर रहे होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस रस वो चरम वाला होगा जिसके लिए हम तरस रहे हैं, गुरु नानक मेहर करे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा हर जैसे जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी सदा स
जय गुरु जी की।